क्रेगलिस्ट किलर रियल इंसिडेंट पर बेस्ड फिल्म है, जिसका कनेक्शन आपको लॉस्ट गर्ल्स नाम की मूवी से भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसे हमने अभी हाल ही में अपने चैनल पर आपके लिए एक्सप्लेन किया है। उस फिल्म के एंड में कुछ चीजें अधूरी छूट गई थी, जिसको मैं इस फिल्म के जरिए एंड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने लॉस्ट गर्ल्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा फॉर बेटर कनेक्शन। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द क्रेगलिस्ट किलर। इस फिल्म को समझाने से पहले आपको क्रेगलिस्ट क्या है वो समझाना बहुत जरूरी है। क्रेगलिस्ट एक ऐसी ऑनलाइन लिस्ट है जिस पर लड़कियां और इवन लड़के भी खुद को रजिस्टर करते हैं अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए, जिसके बाद हमें इस फिल्म की शुरुआत में एक मेडिकल कॉलेज को दिखाया जाता है, जहां पर हम फिलिप नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट को देखते हैं। फिलिप बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, हर कोई फिलिप के जैसे बनना चाहता है। वहीं पर हम फिलिप के साथ उसके कुछ दोस्तों को भी देखते हैं, जिनमें जेनेट नाम की एक लड़की भी होती है। जेनेट फिलिप की काफी अच्छी दोस्त है, जिसके बाद कहानी में हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेगन है। मेगन और केट दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, जो कोइंसिडेंटली फिलिप के मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही हैं, लेकिन फिर भी कभी उनकी मुलाकात फिलिप से नहीं हुई। लेकिन आज एक क्लास को अटेंड करते वक्त फिलिप गलती से मेगन से टकरा जाता है, जहां उसको मेगन को देखते ही प्यार हो जाता है। अब फिलिप मेगन को अप्रोच करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके पास केट होती है, जिस वजह से वो सही मौके को ढूंढने लगता है, जो उसको मिलता भी है, जहां मेगन अकेली बैठी होती है और वो आके उसको डेट पर चलने के लिए पूछ लेता है। मेगन बेचारी पहले तो कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन फिलिप की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिलिप और मेगन दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, जहां उनकी ये चाहत अब धीरे धीरे प्यार में बदलती जा रही है। इसलिए मेगन और फिलिप दोनों एक साथ रहने का फैसला करते हैं। बेसिकली वो दोनों अपनी कंपैटिबिलिटी को चेक करना चाहते हैं कि क्या वो एक दूसरे के साथ रह भी सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है जो उन दोनों को फील हो रहा है। बहरहाल जैसे ये दोनों सोचते हैं वैसा ही होता है, जहां मेगन और फिलिप एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और अब समय है इनके रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। इसीलिए फिलिप मेगन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। मेगन भी फिलिप से शादी करना चाहती है, लेकिन इससे पहले मेगन उसको हाँ बोलती, वो चाहती है कि फिलिप उसके साथ उसके पेरेंट्स से मिले, जिसके लिए फिलिप भी बड़ी आसानी से मान जाता है। मेगन एक काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती है, जबकि फिलिप तो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है, और उसकी यही चिंता उसको परेशान कर रही है कि शायद मेगन के पेरेंट्स उसको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन होता बिल्कुल उसका उल्टा है, क्योंकि मेगन के पेरेंट्स, जिनका नाम डेविड और सुजन है, वो फिलिप को देखते ही अप्रूव कर देते हैं। मतलब फिलिप का चार्म यहाँ पर भी काम आ गया। वेल, अब मेगन के पेरेंट्स ने भी इस रिश्ते को अप्रूवल दे दिया है, इसीलिए फिलिप मेगन से जल्द शादी करने के लिए कहता है। यहाँ तक सारी चीजें बहुत नॉर्मल है और एक ड्रीम की तरह आगे बढ़ रही थी, लेकिन चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। क्योंकि एक रात जब मेगन और फिलिप सो रहे होते हैं, तब हम फिलिप को चुपके से क्रेगलिस्ट पर लड़कियों को चेकआउट करते हुए देखते हैं। अब फिलिप क्रेगलिस्ट पर लड़कियों को क्यों चेकआउट कर रहा है, ये मुझको आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिलिप यहाँ से एक लड़की का कॉन्टेक्ट नंबर निकालता है और उसको होटल में मेकआउट करने के लिए बुलाता है। बेसिकली ये लड़की एक प्रोस्टिट्यूट है, और यहाँ पर हमको पहली बार फिलिप के इस डार्क ट्रुथ के बारे में पता चलता है। अब ये उसका शौक है या फिर ऑब्सेशन, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि मेगन फिलिप से बोलती है कि वो उसकी फैमिली से मिलना चाहती है, लेकिन फिलिप उसको ये कहकर मना कर देता है कि उसकी फैमिली के साथ उसके रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं है, इसीलिए वो शादी में नहीं आ पाएंगे। लेकिन इसी सीन के बाद एक पार्टी में हम फिलिप की मॉम को देखते हैं, जो अपने बेटे की शादी की खबर सुनकर उससे मिलने आई थी, जिनसे फिलिप पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि फिलिप अपनी मॉम को पसंद नहीं करता है। जिसके बाद हम पहली बार फिलिप को एक अलग ही अंदाज में देखते हैं, मानो वो किसी चीज को झेल रहा हो, जिसको हर चीज से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे पार्टी म्यूजिक से, वहाँ पर लोगों के हंसने और बात करने से, सब कुछ उसे परेशान कर रही थी। लेकिन चीजें तो अभी शुरू हुई है, जहाँ पर हम एक बार फिर से उसको क्रेगलिस्ट चेकआउट करते हुए देखते हैं, और सरप्राइजिंगली इस बार वो एक लड़के को चेकआउट कर रहा होता है। मतलब ये पागलपन किस हद तक जाने वाला है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। जिसके बाद हम एक बार फिर से मेगन को देखते हैं, जो अपनी शादी की तैयारियों को लेकर काफी खुश होती है, जिसको भनक भी नहीं है कि उसका होने वाला पति क्या कर रहा है और क्या करने वाला है।
वेल, इसी सीन में हम ये नोटिस करते हैं कि अब फिलिप को इन तैयारियों से भी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। इसीलिए वो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है, जहां वो कैसीनो में अपने सारे पैसे हार जाता है और अब मजबूरन उसको वहां से जाना पड़ता है, जहां पर रास्ते में उसको जैनेट मिलती है, जिसको देखकर फिलिप अपना आपा खोने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जो जैनेट को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो फिलिप को दूर हटने को बोलती है, जिसके बाद फिलिप को होश आता है और वो उसको वहीं पर छोड़कर चला जाता है। उधर मेगन अभी भी अपनी शादी की तैयारियों में ही लगी होती है, जबकि इस बार हम फिलिप को कुछ अनयूजुअल सी शॉपिंग करते हुए देखते हैं, मानो जैसे वो किसी को बांधने का सामान खरीद रहा हो, जैसे कि टाइज, डक टेप्स और बहुत कुछ। जिसके बाद हम फिलिप को एक गन शॉप में गन लेते हुए भी देखते हैं, जिसको वो एक फेक आईडी के थ्रू खरीदता है। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये हमें थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हो जाता है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम फिलिप को जैनेट से बात करते हुए देखते हैं। वो उससे माफी तो मांग रहा होता है, लेकिन उसका तरीका बहुत गलत होता है, लेकिन फिर भी जैनेट उसको माफ कर देती है। और अब फिलिप का ऑब्सेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो अब क्रेगलिस्ट को खुलेआम अपने क्लासरूम में चेकआउट करना शुरू कर देता है, जहां से वो एक लड़की को कांटेक्ट करता है, जबकि दूसरी ओर मेगन को शॉपिंग के दौरान पता चलता है कि उसका डेबिट कार्ड खाली हो चुका है, इसीलिए वो फिलिप को कॉल करती है। लेकिन फिलिप तो अपने नए एडवेंचर की तैयारी कर रहा होता है, मतलब वो होटल में होता है जो उसी क्रेगलिस्ट वाली लड़की से मिलने आता है। फिलिप मेगन को सॉरी बोलकर उस लड़की के रूम में चला जाता है, लेकिन वो उसके साथ कुछ गलत नहीं करता, पर उसकी हरकतें उस लड़की को बहुत ज्यादा डरा देती हैं। फिलिप उस लड़की के हाथों और पैरों को बांध देता है और उसके अंडर गार्मेंट्स को लेकर वहां से चला जाता है, जिससे घबराई हुई वो लड़की पुलिस को बुला लेती है। लेकिन उसने लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया था, इसीलिए पुलिस भी उसको कुछ नहीं कहती। जिसके बाद हम देखते हैं कि फिलिप अभी भी जैनेट के लिए अपनी गंदी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया था, और अब एक बार फिर से फिलिप अपने शिकार पर निकलता है। वो एक लड़की को क्रेगलिस्ट से कांटेक्ट करके होटल में बुलाता है, जिससे जबरदस्ती करते वक्त इस बार वो लड़की गलती से फिलिप को घायल कर देती है, जिसकी वजह से फिलिप गुस्से में आकर उसको शूट करके मार डालता है। और ये पहला इंस्टेंस है जहां फिलिप ने किसी की जान ली है। वैसे समझ तो उसको भी नहीं आया कि उसे क्या हो गया। जिसके बाद हम उस होटल रूम में दो ऑफिसर्स को देखते हैं, जिनके नाम डिटेक्टिव बेनेट और डिटेक्टिव फ्राई हैं। इन दोनों को होटल किलर को पकड़ने की जिम्मेदारी मिली है। जी हाँ, होटल किलर, क्योंकि अभी फिलिप उसी नाम से फेमस होता है। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ उसी मर्डर की न्यूज आ रही होती है, जिसको मेगन भी देख रही होती है, जहाँ अचानक से उसकी डोरबेल बजती है और उसके दरवाजे पर एक सुपरिंटेंडेंट खड़ा होता है, जो उसको बोलता है कि उन्हें उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक बार फिर से फिलिप को अपने नए शिकार पर जाता हुआ देखते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस बार उस लड़की के साथ जबरदस्ती करते वक्त उस लड़की का बॉयफ्रेंड कमरे में अंदर आ जाता है, जिसकी फिलिप के साथ हाथापाई हो जाती है। लेकिन फिलिप कैसे न कैसे करके वहाँ से उस रूम से दोनों को घायल करके भाग जाता है। अब वो सीधे घर पहुँचता है, जहाँ मेगन उसको कन्फ्रंट करती है और उन दोनों का थोड़ा झगड़ा हो जाता है। लेकिन जल्द ही फिलिप अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांग लेता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। उधर पुलिस सारे सबूतों को ढूंढने में लगी होती है, ताकि वो जल्द से जल्द इस क्रेगलिस्ट किलर तक पहुंच सके, और उनको एक लिंक मिल जाता है। वो लोग मैसेजेस के आईपी एड्रेस को ट्रैक कर लेते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि वो मैसेजेस किसी फिलिप मार्कोफ ने किए थे। इसीलिए पुलिस ज्यादा छानबीन और श्योर होने के लिए फिलिप के ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है। वेल, फिलिप भी इस बात को जानता था, इसीलिए वो मेगन के साथ बॉस्टन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसको रास्ते में ही पकड़ लेती है। और अब मेगन को भी ये पता चल जाता है कि जिस क्रेगलिस्ट किलर की पुलिस को तलाश है, वो कोई और नहीं बल्कि फिलिप ही है। लेकिन फिर भी मेगन तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि फिलिप ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो मेगन को बताते हैं कि हमें आपके अपार्टमेंट से 16 लड़कियों के अंडरगार्मेंट्स और एक 9mm की पिस्टल बरामद हुई है, क्या ये काफी नहीं है फिलिप को गुनहगार साबित करने के लिए? लेकिन मेगन तो शायद ही मानने को तैयार ही नहीं है कि फिलिप ऐसा भी कुछ कर सकता है। और सिर्फ मेगन ही नहीं, जितने भी लोग उसको जानते हैं उनको भी यही लग रहा होता है कि फिलिप को पुलिस इस केस में फ्रेम कर रही है, जैसे कि उसके प्रोफेसर, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो फिलिप एक जीनियस मेडिकल स्टूडेंट है। वो सभी लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि फिलिप ऐसा भी कुछ कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस फिलिप को भी इंटरोगेट करने की कोशिश करती है, और वो भी खुद को उनके सामने निर्दोषी बताता है। लेकिन पुलिस के अकॉर्डिंग फिलिप एक दोहरी जिंदगी जीने वाला इंसान है, जिसकी एक लाइफ तो परफेक्टली बैलेंस थी,
लेकिन दूसरी लाइफ में वो एक सेक्स ऑब्सेस्ड पागल था। मेगन की नजरों में वो एक परफेक्ट लड़का था जिसने उसको हमेशा सिर्फ अच्छा ही महसूस करवाया, इसीलिए वो एक आखिरी बार उससे मिलने जेल में जाती है, जहां पर उन दोनों की कॉन्वर्सेशन से ये तो क्लियर हो जाता है कि फिलिप मेगन से कितना प्यार करता है। लेकिन शायद इन सब के होने के बाद मेगन उस पर और यकीन नहीं कर सकती थी। वो वहां से उठकर चली जाती है, जिसका गिल्ट अब फिलिप के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। इसीलिए वो अपने सेल में मेगन के लिए एक इमोशनल पोस्ट लिखता है और वहीं पर सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वो अब समझ चुका था कि उसने मेगन जैसी लड़की को खोकर कितनी बड़ी गलती कर दी। फिलिप की कहानी तो यहीं पर खत्म हो गई, जिसके बाद क्रेगलिस्ट वेबसाइट के एरोटिक सेक्शन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, ताकि कोई और इंसान इस लिस्ट का फायदा उठाकर किसी बेगुनाह बेकसूर को ना मार पाए। उन विक्टिम्स की किस्मत शायद अच्छी थी जो फिलिप पुलिस के हाथ लग गया, क्योंकि फिलिप इकलौता किलर नहीं था जिसने इस क्रेगलिस्ट का सहारा लिया। एक और ऐसा किलर था जिसको पुलिस कभी पकड़ नहीं पाई। वेल, आप समझ गए होंगे कि मैं लॉस्ट गर्ल्स मूवी की आपसे बात कर रहा हूँ, जिसका प्राइम सस्पेक्ट भी एक डॉक्टर ही था, और कोइंसिडेंटली वो डॉक्टर और फिलिप एक ही कॉलेज यानी बोस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। अब ये कनेक्शन हो सकता है जो शायद वहाँ पर मिस हो गया हो, जो एक्चुअली में एक थ्योरी है जिसके बिहाफ पर स्टिल पीटर हैकेट को गुनहगार साबित कर पाना बहुत मुश्किल है।